हेलो, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपका संडे अच्छा आ गया होगा। कल मंडे हैं, रक्षाबंधन भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट चालू ही है। तो आप कल की रक्षाबंधन आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं ये छोटा वीडियो इसलिए अपडेट कर रहा हूँ कि कुछ जिसको बोलते हैं अलर्ट साइंस आ रहे हैं, कुछ सिग्नल्स ऐसे आ रहे हैं कि बाजार अगर मंडे को गैप अप भी खुलेगा तो बहुत जल्दी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। इसका एक कारण ये है कि वैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओवरबॉट है, और अभी का सिनारियो ये दर्शा रहा है कि कल हमारा गिफ्ट निफ्टी जो कि फिलहाल करीब 40 पॉइंट के आसपास अब चल रहा है, तो कल निफ्टी गैप अप खुलेगा 50 और 75 पॉइंट्स के बीच में। अगर ये गैप अप खुलता है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसमें बिकवाली आ जाएगी, तो आप फिर बाय ऑन डीप के सूत्र पे चलेंगे। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जैसे मार्केट ओपन होता है आप उसमें जंप न कर जाइए, पहले देख लीजिए मार्केट को, क्योंकि देखिए अमेरिकी डॉलर है वो फिलहाल वीक दिख रहा है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स जो है वो डाउन चल रहा है, वहाँ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डाउ जोन्स की जो लगातार 3 से 4 दिन की तेजी चल रही थी वो अभी थमी हुई लगती है, क्योंकि बहुत ही मामूली सी बढ़त डाउ जोन्स फ्यूचर में और नास्डेक में दिख रही है। तो कोई ज़्यादा गैप अप की उम्मीद नहीं है, लेकिन अप टू 75 पॉइंट्स अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो फिर आपको रुक जाना है, देखना है मार्केट किस करवट लेता है। और कल के लिए मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट रेकमेंडिंग टू यू फॉर बाइंग ऑन माई एडवाइस, लेकिन आप अपने तरीके से सोच के अगर चाहते हो तो ये काम कर सकते हो। इसमें लाभ या हानि की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो तो आप भी समझते होंगे, समझदार हो सब लोग। तो कल की तारीख में मैं जो कॉल ऑप्शन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो है रिलायंस का। रिलायंस इंडस्ट्री फ्राइडे को 2956 पे बंद हुआ था, और निफ्टी ओवरबॉट है लेकिन रिलायंस ओवरसोल्ड है, और विंडफॉल टैक्स में जो जबरदस्त गवर्नमेंट ने जो कटौती की है हमारी सरकार ने, उस कटौती के कारण कल रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। तो आप कल रिलायंस का 2960 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन कॉल ऑप्शन लेने से पहले आपको ये देखना है कि मार्केट ओपनिंग के साथ वो कितना बढ़ चुका है। अगर ज़्यादा बढ़ गया है 1.50% से ऊपर तो फिर आपको रुकना है,
आपको वो बाय वाली विंडो में जाके पोज में आके देखना है कि क्या मोमेंटम चल रहा है प्राइजिंग में। इसके बाद जब आपको ठीक लगे तब आप ये कॉल ले सकते हैं। हो सके तो इसको जल्दी से निपटा देना, स्क्वायर अप कर लेना, प्रॉफिट घर पे ले जाना। और हमारे जो 77 डेज दिवाली प्लानिंग चल रही है उसके अकाउंट में ये प्रॉफिट आप रिजर्व कर देना। शुरुआत हो जाएगी आपकी। ऑप्शन का यही तो फायदा है ना कि उसमें आपको कोई शेयर बेयर लेने तो है नहीं और क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगी। 250 का लॉट है रिलायंस इंडस्ट्री का ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप ले लीजिए देख के। और जैसा कि मैंने बताया, लाभ या हानि के लिए मुझे जिम्मेदार मत मानिएगा प्लीज़। इफ़ यू विश टू बाय देन ओनली यू कैन बाय ऑन योर विम। आपका दिमाग क्या कह रहा है? मैंने तो लॉजिक रखा कि जो 7000 से विंडफॉल टैक्स जो लग रहा था पेट्रोलियम पे, क्रूड ऑयल पे, वो घटके सिर्फ 21000 हो गया है। तो इसका बड़ा लाभ सभी पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को मिलेगा। और रिलायंस चूंकि अभी काफी गिर चुका है इसलिए वो अब हाथी की चाल पकड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और 3000 कब क्रॉस कर जाएगा वो हमें पता भी नहीं लगेगा। तो कल के लिए ये जैकपॉट शेयर है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ले सकते हैं 2960 का कॉल। आपको मुनाफा होगा। बाकी कोई बड़े न्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, मिडल ईस्ट की टेंशन वाली जो बात है वो ये है कि अमेरिका ने भी अभी ऐसा कुछ माना है कि शायद युद्ध होगा, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास वाले बिल्कुल पीस टॉक से दूर रहना पसंद कर रहे हैं अभी तक। और उस हिजबुल्ला ने तो इज़राइल पे कुछ मिसाइलें भी दागी हुई है, ऐसी बात आ रही है। तो ये वॉर की सिचुएशन जो आज दोपहर तक थोड़ी सी कंट्रोल में आई थी, वो फिर से, क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग किया है दुनिया को कि ये वॉर होगा, तो थोड़ा सा वो तनाव का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है। लेकिन हमारे लिए तो अच्छी बात ये है कि इंडिया विक्स भी काफ़ी डाउन हो चुका है, वो फिलहाल 14th के आसपास चल रहा है, 14 के आसपास, मतलब इट इज़ एट बिलो 50। ये अच्छी बात है। जब भी वो इंडिया विक्स 15 से अप जाता है तो फिर मार्केट में मंदी का भय रहता है। तो अभी ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 से जो शुरू होता है, 23 तारीख को जेकॉब पॉवेल साहब की जो स्पीच है इकोनॉमिकल सिंपोजियम में, उसका आउटकम मार्केट को असर करेगा। 22 तारीख को एक्सपायरी है, तो अगर आप 21 तारीख के बाद कोई कॉल लेना चाहे तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि वो नेक्स्ट एक्सपायरी का ले कृपया, क्योंकि 23 का जो आउटकम होगा दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द ग्लोबल मार्केट्स। तो आप ऐसा करो ना कि 23 को आउटकम जानने के बाद ही कुछ ट्रेड करो, क्योंकि जो मेन इवेंट है इंटरेस्ट रेट कट का
वो तो सितंबर में आने वाला है, हम जानते हैं इसमें कोई वो अच्छी सी बात करेंगे तो मार्केट थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। तो आप 23 तारीख को अगर आप श्योर है कि नहीं अच्छी बात कहेंगे तो 23 तारीख को मार्केट इंडेक्सेस को देखते देखते कोई कॉल बैंक निफ्टी में ले सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द पाथ ऑफ द मार्केट। ऐसे नहीं कि चलो प्रोजेक्शन करके ये बॉल सब अच्छा ही बोलेंगे, चलो हम इतने का स्ट्राइक प्राइस वाला बैंक निफ्टी का कॉल लेते हैं। प्रोजेक्शन जो है वो मार्केट में बहुत ही डेंजरस है। देखिए वैसे भी जीवन में भी क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्शन ज़्यादातर गलत ही होते हैं। हम अपनी लाइफ के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन वो भी फुलफिल नहीं होते हैं। आपकी खुद की हिस्ट्री देख के इस पर रिसर्च करना। तो बाज़ार का भी ऐसा है, प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्शन है वो सब हमारे गलत साबित होते हैं। जब हमारे पास कोई सॉलिड क्लू हो, जैसे विंडफॉल टैक्स वाली क्लू है, अच्छी बात है, वो काफ़ी कट हुआ है उसमें, उसके रेट में तो ये बढ़ना चाहिए रिलायंस का शेयर, इसलिए हम रिलायंस की बात करते हैं। सुजलोन में भी कल सर्किट लग सकती है, आप सिर्फ देखना कि लगती है या नहीं लगती है। शायद कल लगेगी सर्किट, ऐसा लग रहा है। ONGC भी कल अच्छा कर सकता है, उस सबका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। गेल पर आप नज़र बनाए रखें, उसमें कुछ बड़ा होने वाला है गेल में। और गुजरात गैस महानगर गैस ऐसे जो शेयर हैं, महानगर गैस लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, उस पर भी आप नज़र बनाएं, कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो टैक्स में जो कट आया है वो मासिव कट है, इसका इम्पैक्ट होगा ही, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनियों की, ऑयल कंपनियों की। बाकी मार्केट कल गैप अप के साथ खुलेगा ये बात तय है, लेकिन एक और दिक्कत आ चुकी है, कहीं दूर क्षितिज पे दिखती है, वो है मंकी पॉक्स की। मंकी पॉक्स का जो नया वायरस आया है वो थोड़ा कातिल है, लोग मरते हैं इसमें बहुत सारे। वैसे ये नया नहीं है, 22 में भी हमने इसको फेस किया था, अब ये 24 है, लेकिन ये नया वायरस है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस। किसी को छींक आती है, जिसको एमपॉक्स हुआ है उसको छींक आती है तो आसपास में रहे लोगों को भी एमपॉक्स हो जाता है। टच स्किन पे अगर टच हो जाता है, या आप मान लीजिए कि आप हस्त धुनन कर रहे हैं तो ये लग सकता है, उसके कपड़े में से, पेशेंट के कपड़े से भी ये वायरस फैलता है। तो देखते हैं, कोरोना के टाइम में तो लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो भी हम ग्लोबली फेस कर रहे हैं अभी, इसलिए वैसे तो ये मामला भी लॉकडाउन जैसा ही सीरियस है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है इसके बारे में कि ये आपत्ति काल है। तो इसके चलते मार्केट में देखिए ऑपरेटरों को क्या रीज़न चाहिए, लेकिन अगर इसकी बदौलत मार्केट गिरती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लो प्राइस्ड फार्मा शेयर्स है
उस पर हम नज़र रखेंगे, वो बढ़ने वाले हैं, 100% वो बढ़ेंगे। लो प्राइस फार्मा के जो जितने शेयर है, आप अभी से बैठ जाइए, गूगल में सर्च कीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी। और फार्मास्यूटिकल कंपनियों का एक फ़ायदा क्या है कि कंपनियों के नाम पर से हमें पता लगता है कि ये कंपनी अच्छी है। आप जाओ कहीं भी, आप देखोगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है, शिप्ला है, ग्लेनमार्क है, ये सब, कोई भी कैडिला है, उसके नाम पर से हमें पता लगेगा कि ये कंपनी अच्छी है। तो हम फार्मा पे फोकस करेंगे। अगर एमपॉक्स कुछ गेम को चंद समय के लिए ख़राब करता है तो, लेकिन एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एपिडेमिक पेंडेमिक चलते ही आ रहे हैं, फिर भी हमारी मार्केट या दुनिया की मार्केटें चलती है, कंपनियां अच्छी कर रही है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स डेटा सब अच्छे हैं, ऊपर होप खड़ी है रेट कट की, इंडिया विक्स भी डाउन हो चुका है, निफ्टी थोड़ी तो थोड़ी लेकिन बढ़त के साथ चल रहा है, डाउ जोन्स और नास्टिक भी बढ़त के साथ चलता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इस सप्ताह में कोई बड़ी गिरावट आ जाए स्टॉक मार्केट, लेकिन आपको तो ये मार्केट ऐसा है कि संभल कर ही चलना है। प्रॉफिट कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हमारी कैपिटल जो है वो बचनी चाहिए, कम से कम ट्रेड लें, लेकिन वो ट्रेड को लंबे समय तक आप रखें। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ये लागू रहता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ऑपरेटर्स ऐसा खेल किए कर देते हैं कि इसलिए तो सेबी खुद कहती है कि सिर्फ 10% पर लोग ही इन्वेस्टर ही इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, बाकी 90% लोग लॉस में ही अपना टर्मिनल बंद करते हैं, क्योंकि ऑपरेटरों का खेला है ऑप्शन ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने कल रिलायंस का 2960 का कॉल ऑप्शन 39 रुपीस में लिया, ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, तो फिर वो 38, 36, 34, 32 तक गिरेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मैं इसको सेल कर दूँ, आप सेल कर देंगे, लेकिन वही फिर वही ऑप्शन जब मार्केट बंद होता होगा तो 81 पे चलता होगा, आपने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा इस चीज़ का, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, HDFC बैंक, आइसर मोटर, इंफोसिस, ये कुछ ऐसे नाम मैं ले रहा हूं जिसमें ऐसा होता है। आपने इंफोसिस का मान लीजिए कि कॉल ऑप्शन 29 में लिया है, तो 23, 22, 20 तक चला जाएगा, फिर अचानक 41, 42, 43 होने लगेगा। तो आप अगर कम ट्रेड लेंगे तो आप उसको लंबे वक्त तक रख सकेंगे, अगर वो उसमें अच्छे रिपोर्ट्स हैं तो आप इसको लंबे समय तक रख सकेंगे और प्रॉफिट आपका बड़ा आपके आपको मिलेगा। ठीक है, कल मार्केट अच्छा ही रहने वाला है। सब्सक्राइबर का मेरा काउंट मैं बताऊं आपको तो करीबन 465 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मुझे 1000 सब्सक्राइबर सावन महीने के एंड तक करने हैं, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, काइंडली आप मुझे इसमें हेल्प करें और एक लाइन लगा दें मेरे लिए, अपने दोस्तों को कहे फ़ोन करके, भाई ये है अंकल,
अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ कुछ तक हद तक ये यूज़फुल होंगे तो ऐसे आपके दोस्तों को आप सब्सक्राइब कराएं। कल की रक्षाबंधन पर्व के लिए मैं आपको फिर से शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कल आप अच्छे से प्रॉफिट कमाएं और रिलायंस के शेयर पे आप नज़र बनाए रखें।